बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सभी को लगा कि उर्मिला अब राजनीति में वापस नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उर्मिला मातोंडकर को MLC बनाकर विधान परिषद में भेजने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 12 लोगों का नाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजा है। महाराष्ट्र में गठबंधन की तीनों पार्टियों ने 4-4 नाम राज्यपाल को भेजे हैं। वहीं शिवसेना की ओर से 4 नामों में एक उर्मिला मातोंडकर का नाम भी दिया गया है। बता दें कि चुनाव के दौरान उर्मिला कंगना रनौत पर भी जमकर बरसी थी। उनका बेबाक अंदाज शिवसेना को खूब भाया था। हाल ही में संजय राउत ने कहा था कि वो एक अच्छी अभिनेत्री हैं और एक अच्छा सामाजिक जुड़ाव रखती हैं, भले ही वो लोकसभा चुनाव हार गई हों। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।